हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि डॉक्टर से रिलेशनशिप कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, किसी भी मार्केटिंग फील्ड में बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छे से बनाएं, क्योंकि जितना ही अच्छा आपका आपके कस्टमर से रिलेशन होगा उतना ही अच्छा आपका बिजनेस या सेल होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि डॉक्टर से रिलेशनशिप कैसे बनाएं। हमारे MR फील्ड में कस्टमर बोलते हैं डॉक्टर को, क्योंकि हम लोग डॉक्टर को दवाई बताते हैं ना कि पेशेंट को। तो हमारे जो कस्टमर होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि डॉक्टर से रिलेशनशिप कैसे बनाएं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो डॉक्टर से रिलेशनशिप की बात हो, चाहे फैमिली रिलेशनशिप की बात हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, सब में जो पहला जरूरी बात है वो है कंसिस्टेंटली मीट, रेगुलर मीट की। आप रेगुलर उनसे टच में रहे। फ्रेंड्स, आप देखो ना कि आपके जो भी जितने जानने वाले होंगे, किसी सबके कम से कम 50-100 लोग तो लाइफ में जानने वाले होते ही होंगे, तो उनमें से आप देखना कि आप कुछ एक रिलेशनशिप ऐसे होंगे जिनसे आप साल में एक दो बार बात करते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, इतना तक ही बात करते हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होंगे जिनको आप 6 महीने 3 महीने बात करते होंगे। कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जिनसे आप डेली बात करते होंगे। तो आप देखना कि जिनसे आप डेली बात करते हो उनसे आपका रिलेशनशिप कैसा है, और आप जिनको साल में बात करते हो एक दो बार उनसे आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो हमारे फील्ड में हमारा जो कस्टमर है वो डॉक्टर है, आपको पता होगा हम डॉक्टर से मिलते हैं। तो डॉक्टर से रिलेशनशिप बनाने के लिए जरूरी है कि हम डॉक्टर से रेगुलर मिले। अब रेगुलर मतलब डेली मिलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी भी डेली मिलने के लिए नहीं बोलती है। आपका जो काम है कि 15 दिन पे डॉक्टर को मिलना, कई कंपनियों में महीने में एक बार बोलते हैं, कई में दो बार बोलते हैं, कई में 3 बार बोलते हैं। तो मैं एक जनरली लेकर चल रहा हूँ कि आपको जो महीने में 2 बार डॉक्टर से मिलना है वो आप ईमानदारी से मिलो उनसे। ऐसा नहीं कि आज मिल रहे हो फिर 2-3 महीने बाद मिल रहे हो, फिर आज मिल रहे हो, 1 हफ्ते मिल रहे हो, फिर 1-2 महीने गायब, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने कस्टमर से रेगुलर मिलना है, मतलब रेगुलर जो आपको जो काम दिया गया है ना, आपके 15 दिन पर विजिट करना, वो आप ईमानदारी से करो। आप किसी भी रिलेशनशिप में देख लेना, जहां भी आप रेगुलर टच में रहते हैं ना, वहां पे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। तो ये जो रेगुलर मिलने की बात है, रेगुलर टच में रहने की बात है, वो किसी भी रिलेशनशिप का ये पहला स्टेप है, किसी भी रिलेशनशिप को बनाए रखने का पहला स्टेप है। अब दूसरा जो स्टेप है वो है कि आप सामने वाले के बारे में ज्यादा बात करो, अपने बारे में कम बात करो। अब जैसे कि आप किसी भी रिलेशनशिप में आप बात करते हो फोन पे, मान लो किसी फ्रेंड को लगाए है ना, तो कोई आपका ऐसा फ्रेंड होगा आपको बोलेगा, अरे मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये कर लिया, मैं ऐसा पैसा, इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो आप वैसे लोगों से ज़्यादा दूरी रहना पसंद करते हैं, उनसे आप ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। आप किनसे ज़्यादा पसंद करेंगे, जो अपने बारे में कम आपके बारे में ज़्यादा बात करे, है ना। तो आप भी अपने कस्टमर से या फिर किसी भी रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ से हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हो, या फिर फ्रेंड हो आपका, उसे अपने बारे में कम उसके बारे में ज़्यादा बात करिए। अब ऐसा नहीं कि कई लोग होते हैं कि बोलेंगे कि उदाहरण से मैं बताता हूँ कि अरे जैसे अभी दिवाली आ रहा है, तो बोलेंगे अरे फ्रेंड तुम इस दिवाली में क्या ले रहे हो, है ना, ये बोलने का तरीका। कई लोग क्या बोलेंगे, अरे मैं ये दिवाली में ये ले रहा हूँ, मैं दिवाली में वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप अपने बारे आप सामने वाले से पूछिए, जैसे कि ये मत पूछिए कि जैसे फोन करके कि मैंने खाना खा लिया, ये बोलिए कि आपने खाना खाया क्या, आप दिवाली में क्या ले रहे हैं, है ना, आपके घर में सब कैसे हैं, आप वो करने वाले थे वो हो गया क्या, आपका जो ये ड्रीम था वो पूरा हो गया क्या, आपका ड्रीम क्या है, है ना, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है, आपको खाने में क्या पसंद है। मतलब अपने बारे में ये नहीं कि मेरे को ये पसंद है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अरे मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी जैसे चाहे डॉक्टर से रिलेशनशिप हो, अपने कस्टमर से रिलेशनशिप हो, समय ये जरूरी है कि आप अपने बारे में कम सामने वाले के बारे में ज़्यादा बात करो। अब हम बात करें डॉक्टर से,
के रिलेशनशिप से, तो आप डॉक्टर के बारे में क्या बात करोगे, क्योंकि आपका जो काम है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो उसके अलावा आप क्या बात कर सकते हो। आप जैसे आप जाते हो तो गुड मॉर्निंग सर बोलो, है ना, उसके बाद आप उनका हाल चाल पूछो, सर आप कैसे हैं, है ना। आप जैसे आप अगर डॉक्टर कुछ अच्छा कपड़ा पहने हैं तो सर आपका आप जो पहने हो कपड़ा वो बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर उनका जो हॉस्पिटल है तो उनके बारे में बात करो, या फिर उनका अब ज़्यादा जैसे आप क्लोज होते चले जाओगे, है ना। ये चीज़ एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे, पहले जो मैंने आपको क्या स्टेप बताया कि आप रेगुलर किसी के टच में रहोगे, तभी आप ये दूसरा जो स्टेप मैंने बताया कि आपको जो बात करना है वो कर पाओगे। अब आप किसी से भी कभी कभी मिल रहे हो, क्योंकि कोई भी आदमी अपने लाइफ में तभी इंटर आपको करने देगा जब आप उससे रेगुलर टच में हो, नहीं तो वो खास करके आप डॉक्टर चाहे कोई भी, आप कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। वो तब आएगा, कब आएगा, जब आप उससे कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं, रेगुलर टच में रहे, डेली बात कर रहे हैं, ना। तो वैसे लोग ही आपको अपने पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने देंगे। तो जब आप वो पहला जो मैंने बताया वो कर लिए, तो दूसरा स्टेप उसके बाद कि धीरे धीरे आप बात करना शुरू करो, है ना, अपने दवाई के बारे में तो बात करो ही करो, सबसे पहले आप उनके बारे में बात करना शुरू करो। तो ये हुआ दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि सामने वाले के नीड समझो, हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में ही बात मत करो। कई रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमेशा कोई भी इंसान, आप ऐसे इंसान को क्या पसंद करोगे जो अपने स्वार्थ के बारे में बात करेगा, वो कोई भी इंसान किसी को तभी पसंद करता है जो अपने बारे में कम सामने वाले की नीड जरूरत समझे। जैसे कि आप फ्रेंड ही है तो आपको जब काम जरूरत पड़े तभी आपको उसको फोन लगाओगे, अरे मेरे को जरूरत है, तो सामने वाला समझ में आएगा कि अरे ये मेरे को तभी याद कर रहा है जब इसको जरूरत है, और मेरे को जब जरूरत पर है तब ये याद ही नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से जैसे आपका कस्टमर है तो उनकी आप नीड समझो। अब डॉक्टर की नीड क्या हो सकती है, जैसे कोई डॉक्टर कोई दवाई लिख रहा है वो मान लो थोड़ा सा महंगा है, तो अगर आपके पास वो दवाई वही मॉलिक्यूल कम प्राइस में आता है तो वो उसके पेशेंट के लिए, डॉक्टर के पेशेंट के लिए तो फायदेमंद है ना। डॉक्टर की नीड क्या है कि कम पैसे में उनके पेशेंट का अच्छा इलाज हो। अगर अब हर डॉक्टर का अलग अलग गोल होता है, अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो डॉक्टर की नीड है वो क्या है। ये एक मैं उदाहरण से बता रहा हूँ कि ये डॉक्टर की नीड हुई कि हाँ कम प्राइस वाले दवाई तो आपके पास कम प्राइस आता है तो वो उनके पेशेंट के लिए अच्छा है। या फिर डॉक्टर कोई डॉक्टर है जो खुद मेडिसिन रखते हैं, उनको ज़्यादा स्कीम चाहिए, तो अगर वो दवाई जो लिख रहे हैं उनमें कम स्कीम है, आप में ज़्यादा स्कीम आता है, तो उनको आप ज़्यादा वो बताएंगे, मतलब उनका ज़्यादा फायदा करा रहे हो। तो ये हुए सामने वाले की नीड। ऐसा नहीं कि जाना है बस डेली सर मेरा दवाई लिख दो, मेरा दवाई लिख दो, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। सामने वाले की नीड समझने की बहुत जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर से रिलेशनशिप की हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप की बात हो। ये हुआ तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है कि आप किसी भी सुख हो या दुख हो, सब में आप उनका भागीदार बनो। किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं मैं, डॉक्टर से हो, अपने कस्टमर से हो, या अपने फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, बॉयफ्रेंड से हो, या फिर हस्बैंड वाइफ किसी से भी हो, तो सब में आप दुख सुख में साथ दो। आदमी ये चीज कभी नहीं भूलता कि किसी ने उसका दुख में साथ दिया हो या फिर खुशी में शरीक हुआ। अब खुशी की बात कैसे, शरीक होने के बाद जैसे उसका बर्थडे आता है तो आप बर्थडे में जाकर के विश करते हो, किसी को कितना अच्छा लगता है, खास करके आप पर्सनली आप जाके मिलते हो किसी को, है ना, गिफ्ट देते हो, कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से डॉक्टर का भी जो बर्थडे आता है या फिर वेडिंग एनिवर्सरी है या फिर क्लिनिक का उद्घाटन जिस दिन हुआ होगा, तो वैसे जो पल होते हैं उनके लाइफ में वो जो होते हैं बहुत ही अनमोल पल होते हैं, तो उनमें जाकर के आप अगर उनको शरीक होंगे, उनको बधाई शुभकामना देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और इससे आपका डॉक्टर से रिलेशनशिप बढ़ेगा। और ये जो मैंने तीसरा स्टेप बताया है वो तभी होगा जो आप पहले के दो स्टेप करेंगे तब। पहला कि रेगुलर टच में, दूसरा आप धीरे धीरे बात करना शुरू कीजिए, अपने बारे में नहीं उनके बारे में बात करिए, तो उसके बाद उनके आप क्लोज आएंगे उसके बाद ही आप ये चीज करें। अब पहले ही दिन आप मिल के गए, किसी को भी अनजान आदमी भी अगर विश करेगा तो अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर आप जो एक एक स्टेप जो मैंने बताया है शुरू से वो फॉलो करेंगे तो उससे ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो दुख हो चाहे सुख हो, सब में आप उनका भागीदार बनिए, दिल से, दिखावे के लिए नहीं कि हाँ मैं दिखावे के लिए, मुझे उनसे बिजनेस चाहिए, मुझे उनसे सेल चाहिए इसलिए करूं, या फिर फ्रेंड ही रहता है तो अरे मैं इसको बुरे समय में इसलिए मदद कर रहा हूं कि ताकि वो उसका, मेरा जब बुरा समय आएगा तो मेरी मदद करे, ये भावना से नहीं।
ये भावना से बिल्कुल नहीं। जैसे अगर आप डॉक्टर्स को ही अगर कुछ विश कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो ये भावना से नहीं कि कल को वो आपका सपोर्ट करे, निस्वार्थ भावना से करिए, है ना। निस्वार्थ भावना, चाहे किसी भी रिलेशन की बात कर रहा हूँ, फैमिली हो, आपका फ्रेंड हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कुछ भी हो, तो निस्वार्थ भावना से आप उनके दुख में सुख में शरीक होइए, ठीक है। तो ये हुआ चौथा पॉइंट। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और ट्रूथ का होना बहुत ही जरूरी है। आप अपने रिलेशनशिप के प्रति ईमानदार और कोई भी चीज बोले तो सच ही बोले, सच्चाई रखे, ईमानदारी रखे उस रिलेशनशिप में। अगर इस कोई भी रिलेशनशिप में अगर ये नहीं है तो वो रिलेशनशिप टिक ही नहीं सकता, खत्म। उसी प्रकार से अगर आप जिस दिन डॉक्टर का विश्वास खो दिए, डॉक्टर को लग गया कि आप उनसे झूठ झूठ बोल रहे हैं या फिर ऐसा कर दिए, तो फिर जो जैसा बोलते हैं ना कि कोई भी रिलेशनशिप को बनने में काफ़ी समय लगता है और बिगड़ने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता है, और एक बार किसी से विश्वास उठ गया ना तो दोबारा विश्वास बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब जो मैंने ये तुरुथ और ईमानदारी की बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर पे कैसे लागू होता है। जैसे आपने डॉक्टर से कुछ गलत कमिटमेंट कर दिया, या फिर आप किसी भी मार्केटिंग फील्ड में हैं, आपने अपने कस्टमर से कोई भी गलत कमिटमेंट कर दिया कि डॉक्टर को बोल दिया कि सर आप इतना लिखो, मैं अगर लिखोगे तो हम ये कर देंगे, आपको ये देंगे, है ना, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, या फिर आप, मैं किसी मार्केटिंग फील्ड की बात करता हूँ, आपके जो कस्टमर है उनको आप बोल दिया कि आप इतना लीजिए तो आपको इतना स्कीम मिलेगा, लेकिन आपने उनको वो दिया नहीं, मतलब आपने झूठ 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 बोला उनसे, तो वो रिलेशनशिप नहीं रह सकता। जो किसी भी रिलेशनशिप का मैं यूं कहूं तो जो मेन स्तंभ होता है ना वो ईमानदारी और सच्चाई होता है, और जिस दिन ये किसी भी रिलेशनशिप से गया मतलब खत्म, उसका आप रिलेशनशिप बना ही नहीं सकते बहुत मुश्किल से। अगर दोबारा अगर वो इंसान आप पे विश्वास करेगा भी तो पहले जितना विश्वास कर सकता है करता था उतना नहीं करेगा। तो किसी भी रिलेशनशिप, आप डॉक्टर से कभी भी गलत कोई इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए, कोई गलत कमिटमेंट नहीं मत कीजिए, अगर डॉक्टर कुछ बोले हो तो आप उनको पूरा कीजिए, और नहीं हो सकता है तो मत बोलिए। तो ये जो पांच चीजें मैंने बताई वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो डॉक्टर से रिलेशनशिप की बात हो चाहे किसी भी रिलेशनशिप की बात हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर से एक एक चीज करके बता देता हूं आपको। पहला मैंने बताया था कि आप किसी भी रिलेशनशिप में रेगुलर टच में रहिए, ठीक है। दूसरा कि आप अपने बारे में कम, सामने वाले के ज्यादा में, और आप ज्यादा बात कीजिए। तीसरा मैंने बताया था कि अपने नीड को ही मत देखिए, सामने वाले की नीड के बारे में बात कीजिए, है ना। चौथा ये बताया था कि दुख हो चाहे सुख हो समय शरीक हो, ये वो भी सच्चे मन से। और पांचवा ने बताया कि सच्चाई और ईमानदारी रखिए उस रिश्ते में, तभी आप किसी रिश्ते को कायम रख सकते हैं, किसी रिश्तों को बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी बताया हो वो आपको पसंद आया होगा। देखिए वीडियो को बस देखिए मत, इसमें आप में से बहुत लोग होंगे, आप मेरा ही वीडियो नहीं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर का भी वीडियो देखते होंगे। खैर मैं अभी मोटिवेशनल वीडियो के तौर पे ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आगे मैंने प्लान किया है। तो देख, बस वीडियो देख लेने से नहीं होता है, उसको अपने जिंदगी में अपनाने से होता है। इसमें से अगर 100 लोग वीडियो अगर देखेंगे, 100 में एक से 80 लोग होंगे जो इस वीडियो में जो मैंने कहा है वो नहीं अपनाएंगे, लेकिन जो भी लोग इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो अगर अपनाएंगे, मैं जो ये चीज बता रहा हूँ वो कहीं से किताब से पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं ये चीज अनुभव से, एक्सपीरियंस से, प्रूवन मेथड है वो बता रहा हूँ। तो अगर आप भी इस चीज को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो देखना आज से बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, और आपका जो रिलेशनशिप है किसी से वो आप अच्छे से बनाए रख पाओगे, और किसी भी फील्ड में आप सक्सेस हो पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।